नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा त्यागी। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने काला ढोंगी में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर रैली को किया संबोधित। कहा, लोग समझने लगे नागरिकता संशोधन कानून की अहमियत। कार्यकर्ताओं से लोगों को जागरूक करने को कहा। उत्तराखंड पुलिस के ऑपरेशन स्माइल ने बिछड़ों को अपनों से मिलाया। अब तक 351 लोगों को ढूंढ चुकी पुलिस। जनवरी माह में भी जारी रहेगा अभियान। आपदा प्रभावितों को मानसिक रूप से मजबूत करेगा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। मनोचिकित्सकों से काउंसलिंग कराने पर जोर। मानसिक परेशानियों से उबरने में मिलेगी मदद। और प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में पूरी दिन खिली रही धूप। पहाड़ों में शीतलहर और मैदानी क्षेत्रों में कोहरा बढ़ा रहा परेशानी। पर्यटकों के लिए जारी की गई गाइडलाइंस। अब समाचार विस्तार से। नैनीताल जिले के काला ढोंगी में नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि लोगों को अब समझ आने लगा है कि ये कानून किसी को परेशान करने के लिए नहीं बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सीएए के समर्थन में अब तक 300 रैलियां हो चुकी हैं। लोग समर्थन में सड़कों पर उतर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गलत बात करने वालों को जनता जवाब दे रही है। अभी तक सीए के समर्थन में 300 से अधिक रैलियां हो चुकी हैं। तमाम लोग सड़कों पर आए हैं और अभी ये क्रम जारी है। आज उन लोगों को जो कभी कहते हैं कि चौकीदार चोर है, जो कभी कहते थे कि चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बनेगा, इस तरह की अनर्गल बातें जो लोग कर रहे थे, आज वो फिर प्रधानमंत्री जी के जो इन 6 महीनों में जो बोल्ड डिसीजन उन्होंने लिए हैं, चाहे अयोध्या से संबंधित हो, चाहे 370 से संबंधित हो, या फिर 3 तलाक से संबंधित जो संशोधन उन्होंने किए हैं, आज नागरिकता संशोधन अधिनियम पारण हुआ है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस पर भी कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि ये वही कांग्रेस है जिसका गठन देश पर राज करने के लिए किया गया था। इसकी नीति फूट डालो और राज करो की है। उससे बौखला करके और तरह तरह की अनर्गल बातें समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ, ये वही कांग्रेस है जो ऑक्टेवियन ह्यूम ने 1885 में बनाई थी देश पर राज करने के लिए। और राज करने का उन्होंने एक ही तरीका निकाला था कि समाज को तोड़ो, समाज को विभाजित करो और राज करो। आज वही काम कांग्रेस और तमाम तथाकथित जो प्रगतिशील कहते हैं, जो वामपंथी कहते हैं, वो तमाम दल मिलकर आज वही काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो घर घर जाकर लोगों को विपक्ष द्वारा सीएए को लेकर फैलाई जा रही भ्रांतियों के प्रति सचेत करें। मुख्यमंत्री ने लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली जा रही जन जागरूकता रैली को भी रवाना किया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुई हिंसा को लेकर आज दिल्ली पुलिस ने पत्रकार वार्ता की। मामले की जांच कर रहे दिल्ली पुलिस की एसआईटी के इंचार्ज डीसीपी जॉय टिर्की ने इस मामले की जानकारी दी। अचानक से एक ग्रुप आता है स्टूडेंट्स, उसमें स्टूडेंट्स भी हम लोग वैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसमें एक ग्रुप आया एंड दे वर आल्सो मफल्ड फेस और इनके हाथों में डंडे वंडे थे। उन्होंने पहले यहाँ इन लोग के साथ थोड़ा झगड़ा किया और फिर वो साबरमती हॉस्टल में घुस गए। एंड दिस आल्सो वाज वेरी वेरी स्पेसिफिक, मतलब हर कमरे को जाके उन्होंने नॉकिंग किया। दे न्यू कि कौन कौन से कमरे में जाना है। तो दोनों पेरियार और साबरमती दोनों में लॉट ऑफ इंटरनल एलिमेंट। अब मेरे को 4 दिन हो गए हैं जेएनयू में, मेरा मैं अभी भी रास्ता भूल जाता हूँ। तो वहाँ बाहर वाले के लिए बड़ा मुश्किल है। इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लेक्स, प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स। और अंदर आप सोचिए 7 बजे का अगर ये टाइम है, 7 बजे वहाँ पे हल्का सा अंधेरा भी हो जाता है और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नेगोशिएट योरसेल्फ। वहीं इस मामले में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विपक्ष की भूमिका की आलोचना की। 5 तारीख को जब दूसरे भी यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट है, उसमें सारे मजहबों के लोग हैं, तो ये जब सामने आए तो मारामारी और हुई। तो ये जो है,
ये हिंसा की हम भर्त्सना करते हैं। आज पुलिस ने सच्चाई सामने लाई है। अब मेरी अपील है कि ये जो राजनीतिक दल है, इनका ये गुनाह है कि जो छात्रों को राजनीति के लिए अपना उपयोग करते हैं। कौन है छा ये दल, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, लेफ्टिस्ट हो, इनको लोगों ने नकारा लोकसभा में, और नकारा इसके हताशा निराशा में ये छात्रों का दुरुपयोग कर रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन स्माइल लोगों की खोई मुस्कान लौटाने में सफल साबित हुआ है। पुलिस के इस ऑपरेशन ने कई लोगों की मुस्कान को लौटाया है। पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था अशोक कुमार के निर्देश पर गुमशुदा की तलाश और उनको उनके परिजनों तक पहुंचाने के साथ ही अज्ञात शवों की शनाख्त के लिए एक अभियान 1 दिसंबर 2019 को शुरू किया गया था। अभियान के तहत अब तक 61 पुरुष, 110 महिलाओं और 180 बच्चों को मिलाकर कुल 351 गुमशुदा लोगों को ढूंढ निकाला गया है। इनमें 214 पंजीकृत और 137 अपंजीकृत हैं। सभी को उनके परिजनों के सुपुर्द किया जा चुका है। केवल उत्तराखंड ही नहीं, अभियान के तहत राजस्थान के 2, नई दिल्ली के 3, उत्तर प्रदेश के 12, बिहार और छत्तीसगढ़ के 1-1 लोग भी अभियान के तहत ढूंढकर उनके घर पहुंचाए गए। पुलिस महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था अशोक कुमार का कहना है कि अभियान को और अधिक सफल बनाने के लिए इसे 31 जनवरी तक बढ़ाया जा रहा है, जिससे गुमशुदा लोगों को उनके अपनों तक पहुंचाया जा सके। चमोली के जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत चाइल्ड हेल्पलाइन, बाल सलाहकार बोर्ड और जिला राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना समिति को चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 का व्यापक प्रचार प्रसार करने के साथ ही अधिकारियों को बच्चों के प्रति संवेदनशील होकर काम करने के निर्देश दिए हैं। बच्चों को नशे से बचाने के लिए इसके खिलाफ व्यापक अभियान चलाने और पुलिस में बच्चों की नशाखोरी से जुड़े मामलों की छानबीन करने को कहा है। जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर काम करने वाले मजदूरों के बच्चों को जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने के साथ प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने, श्रम प्रवर्तन अधिकारी को होटलों, दुकानों, ढाबों और सड़कों पर बाल श्रम को रोकने के लिए छापेमारी कर कार्रवाई के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने अनाथ और असहाय बच्चों को शिक्षित करने के लिए जिले में संचालित आश्रम पद्धति के विद्यालयों में भर्ती कराने को भी कहा है। संबंध में जो चाइल्ड बच्चों में जो नशे की बढ़ती प्रवृत्ति है उसके संबंध में, या फिर जो जिन बच्चों को मानसिक कुछ उत्पीड़न होता है उनके संबंध में ये बैठक ली गई। तो जैसे जितने भी हमारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ जिनका कोई संरक्षक नहीं है, उनको हम किसी अच्छे स्कूल्स में या कस्तूरबा गांधी विद्यालय में एडमिशन कराने के विषय में निर्णय लिया गया। इसके साथ साथ हमारे जितने भी लोग बच्चों के अंदर जिसमें नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है उनके संयुक्त अभियान पुलिस वगैरह के साथ में मिलकर चलाए जाने का निर्णय लिया गया। और चाइल्ड लेबर के जितने भी केसेस हैं उनकी एक डिटेल्ड सर्वे 1 महीने के अंदर कराए जाने का निर्णय लिया गया है, और इन सब पर ही इंप्लीमेंटेशन का कार्य तत्काल शुरू कर दिया जाएगा। बारिश और बर्फबारी के बाद प्रदेश में अब पाला और कोहरा परेशानी का कारण बन रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पाला पड़ने के बाद बर्फ पर फिसलन बढ़ गई है, वहीं मैदानी जिलों में सुबह घना कोहरा हाड़ कंपा रहा है। हालांकि राहत की बात यह है कि मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक मौसम के सामान्य बने रहने का अनुमान जारी किया है। प्रदेश भर में करीब 60 घंटे की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद आज मौसम साफ रहा। मौसम विभाग ने पहाड़ जाने वाले पर्यटकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। पाला पड़ने से वाहनों के फिसलने के खतरे को देखते हुए लोगों को बर्फ पर वाहन चलाने से बचने के लिए भी कहा गया है। प्रदेश में बर्फबारी और बारिश के बाद राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज धूप खिली रही, लेकिन शीतलहर के साथ कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। मैदानी इलाकों में कोहरे से रेल सेवाओं पर भी असर पड़ा है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से मनोसामाजिक देखभाल और आघात परामर्श विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मेडिकल कॉलेज और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ ही मनोचिकित्सकों ने भी शिरकत कर सुझाव दिए। आपदा प्रबंधन विभाग के अधिशासन निदेशक डॉ. पीयूष रौतेला ने बताया कि उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। इस लिहाज से राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने ऐसी गाइडलाइंस तैयार की हैं जिससे लोगों को मानसिक रूप से भी आपदा के बाद उपजी स्थितियों से निपटने के लिए तैयार किया जाए। जो USDMA है उसने एक गाइडलाइंस बनाई है कि किस तरह से हम इस तरह की मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम्स पे
उपचार कर सकते हैं, लोगों को सहायता दे सकते हैं। तो उसी पर विचार विमर्श के लिए आज विभिन्न जो हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं और एनजीओज हैं, जहां पर कि इस तरह के कोर्सेज चलाए जाते हैं या इस तरह की काउंसलिंग की जाती है, उसके प्रतिनिधि यहां पे हैं और उनसे बातचीत करके हमने जो मॉड्यूल बनाया है उसे बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। और उसी के साथ साथ क्या ऐसे उपाय किए जाएं कि हमारे पास इस तरह के जो मनोचिकित्सक हैं वो ज़्यादा संख्या में रहें। क्विक रिस्पॉन्स सिस्टम यानी IRS के विशेषज्ञ BP गणनायक ने कहा है कि हम देव संस्कृति विश्वविद्यालय, दून अस्पताल, PG कॉलेज हल्द्वानी और NGO के माध्यम से सुझाव लेकर अपनी गाइडलाइंस को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हम लोगों की और बेहतर ढंग से मदद कर सकेंगे। वो नीड को किस हिसाब से हम लोग वो नीड को फुलफिल करेंगे और लोगों को साइकोलॉजिकल और ट्रॉमा काउंसलिंग का सपोर्ट दे पाएंगे, उस विषय में एक कंसल्टेशन वर्कशॉप हम लोग कर रहे हैं, ताकि एक स्ट्रेटजी बनाएं और विलेज लेवल तक, कम्युनिटी लेवल तक ट्रॉमा काउंसलर्स एंड साइकोसोशल केयर प्रोफेशनल्स को हम लोग अवेलेबल कराएं। तो आज ये जो हम लोग फर्स्ट कंसल्टेशन वर्कशॉप है, उसके बाद हम 3-4 राउंड करेंगे। ये आज प्रैक्टिशनर के साथ हम लोग कर रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस की मोबाइल रिकवरी सेल की मदद से प्रदेश भर से गायब और चोरी मोबाइल को खोजने में बड़ी सफलता मिली है। सेल ने 2 करोड़ रुपए की लागत के 1633 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। महानिदेशक अपराध एवं कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने बताया कि साइबर पुलिस स्टेशन में मोबाइल रिकवरी सेल का गठन 2017 में किया गया था। रिकवरी सेल ने प्रदेश के साथ ही अन्य प्रदेशों के लोगों के मोबाइल भी खोजे हैं। अकेले 2019 में रिकवरी सेल ने 781 मोबाइल फोन बरामद किए। बरामद मोबाइल लोगों को वापस किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 2,05,37,000 रुपए है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने देहरादून में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत ग्राम पंचायत विकास योजना के मिशन अंत्योदय सर्वे, सुविधाजनक जीवन और सतत विकास लक्ष्य के संबंध में पंचायती राज, ग्राम्य विकास और नियोजन विभाग के जनपद और विकासखंड स्तरीय अधिकारियों की राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ किया। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य स्तरीय कार्यशाला ग्राम पंचायतों के विकास के लिए बेहतरीन प्रयास है। इनसे ग्रामीण स्तर की समस्याओं के निवारण के लिए सुझाव मिलते हैं, जिससे समस्याओं का निवारण किया जा सकता है। कार्यशाला के बाद पंचायतों में लागू समस्त ऑनलाइन एप्लीकेशन के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जनपदों में कार्यरत DPM को लैपटॉप वितरित किए गए। चंपावत जिले के लोहाघाट में ITBP की 36वीं वाहिनी बटालियन की 3 दिवसीय जोनल मैराथन का समापन हो गया है। प्रतियोगिता में देश भर के विभिन्न जोनों की 113 महिला और पुरुष खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। विभिन्न वर्गों में उत्तरी सीमांत प्रथम, पूर्वी सीमांत दूसरे और उत्तर पश्चिम सीमांत तीसरे स्थान पर रहा। ITBP 36वीं बटालियन के कमांडेंट सुभाष कुमार यादव ने बताया कि इस जोनल स्तरीय प्रतियोगिता में पूर्वी सीमांत, उत्तरी सीमांत, पूर्वोत्तर सीमांत, सेंट्रल सीमांत, उत्तर पश्चिम सीमांत के खिलाड़ी शामिल हुए थे। पूरी प्रतियोगिता बर्फबारी के बीच संपन्न कराई गई। 36वीं वाहिनी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि बल्कि एक मैराथन टीम तैयार की जाए और उसके लिए जो हमारी फ्रंटियर्स हैं, एक प्रथम इंटर फ्रंटियर्स मैराथन कंपटीशन यहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें पांचों फ्रंटियर्स ने, जो हमारी 5 टीमें ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें कि कुल 69 पुरुष और 44 महिलाओं ने इसमें भाग लिया। और ये कंपटीशन 6 से लेकर के 9 जनवरी तक चलाया गया, जिससे कि अब हमारी एक टीम बनी हुई है जो कि अब यहीं पे प्रैक्टिस करेगी और आगे जो भी कंपटीशंस होंगे फोर्स के बीचेस में, उसमें ये टीमें पार्टिसिपेट करेंगी। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने काला ढूंगी में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर रैली को किया संबोधित। कहा, लोग समझने लगे नागरिकता संशोधन कानून की अहमियत। कार्यकर्ताओं से लोगों को जागरूक करने को कहा। उत्तराखंड पुलिस के ऑपरेशन स्माइल ने बिछड़ों को अपनों से मिलाया। अब तक 351 लोगों को ढूंढ चुकी पुलिस।
जनवरी महीने में भी जारी रहेगा अभियान। आपदा प्रभावितों को मानसिक रूप से मजबूत करेगा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। मनोचिकित्सकों से काउंसलिंग कराने पर जोर, मानसिक परेशानियों से उबरने में मिलेगी मदद। और प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में पूरे दिन खिली रही धूप, पहाड़ों में शीतलहर और मैदानी क्षेत्रों में कोहरा बढ़ा रहा परेशानी। पर्यटकों के लिए जारी की गई गाइडलाइंस। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।